नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं महोबा की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक किसान को जिंदा समझ परिजनों द्वारा महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर ने चिकित्सीय परीक्षण करते ही उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की असामयिक मौत से परिजनों में चीख पुकार मच गई, तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचना भेज दी है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले के पठा गांव का है, जहां के रहने वाले अनंत राजपूत का 45 वर्षीय पुत्र खेत से कृषि कार्य करके वापस घर आते ही अचेत होकर गिर गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर ने चिकित्सीय परीक्षण करते ही उसे मृत घोषित कर दिया है। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए पुलिस को सूचना भेज दी है। महोबा से अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिवराम सिंह राजपूत, ग्राम पठा। घटना ये हो गई कि ओम प्रकाश राजपूत मृतक खेत पे पानी लगा रहा था, सुबह आया कुएं पे, उसने मुंह भर धोया, मुंह धोने के बाद तत्काल गिर पड़ा, तो पास पड़ोस से महिलाएं आई, उसको उठाया, तत्काल महोबा ले आए, यहाँ लेके आए तो डॉक्टर साहब बोले कि यह महोबा। एक व्यक्ति जो अभी हमारे यहाँ आया, वो एक्चुअली मृतक अवस्था में लाया ही गया था, उसको देखा तो वो मृत था, उसको उन्होंने मृत घोषित कर दिया है। बस उसके लिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए कोशिश चल रही है कि उसका पोस्टमार्टम करा के उचित कारण पता किया जा सके।